दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ दो बहुत ही बेहतरीन प्लेसेट जिससे कि आपका घर बैठे टाइम पास हो जाएगा। एक तो ये मैग्ना प्ले जहाँ पे मैग्नेट की मदद से आप कुछ फिगर्स बनाओगे और उसके ठीक पीछे है स्क्रैच आर्ट, और ये भी एक आर्ट का किट है जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनसे स्क्रैच करके हम अलग अलग डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों ही बॉक्सेस की करेंगे यहाँ पे अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि कितने बेहतरीन है ये किट। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता था टॉयज एंड गेम्स एक्सपेरिमेंट किट और कई तरह के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज़ कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या मिलता है। तो ये एक फ्रेम है जैसे फोटो फ्रेम होता है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लिप वगैरह निकाल के आप पेंटिंग अपनी लगा सकते हो, चारों की चारों क्लिप निकल जाती है। और उसके नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे हमको डिज़ाइन मिल जाते हैं अलग अलग, और ये किस तरह से हम यूज़ करेंगे आपको मैं बता देता हूँ। ये है हमारे स्क्रैच पेपर, और ये भी काफ़ी सारे पेपर हैं, लगभग 8-10 पेपर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस पेपर में क्या होता है, जैसे हम इसे स्क्रैच करते हैं ना तो नीचे कुछ कलर वगैरह निकल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने यहाँ से ये फिश वाला फ्रेम निकाल दिया, अब मुझे क्या करना है ऐसे लगा लूँगा और यहाँ पे स्क्रैच करूँगा जिससे कि यहाँ पे फिश का डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे आपको बताया मैंने अलग अलग डिज़ाइन बहुत सारे हमको मिल जाते हैं, और अलग अलग यहाँ पे हमको स्क्रैच कार्ड भी मिल जाते हैं। फिर लास्ट में बचता क्या है, एक स्क्रैच पेन, और इसी की मदद से जो है हम यहाँ पे स्क्रैच करेंगे। तो जल्दी से बिना किसी देरी के आपको कुछ यहाँ पे डिज़ाइन मैं बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह की पिक्चर यहाँ पे फाइनली बन के निकलती है, मज़ा आ गया भाई। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको बस यही फ्रेम यूज़ करने और ये फ्रेम खत्म होंगे तो भैया आप क्या करो। अगर आप हो इमेजिनेटिव, हो थोड़े से क्रिएटिव, तो आप इससे भी बेहतरीन पिक्चर बना सकते हो और इसे आप अपने घर में डेकोरेट भी कर सकते हो, तो काफ़ी मतलब यूनिक लगेगा। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इसे रख देता हूँ मैं साइड में और बढ़ते हैं अपने अगले आइटम की तरफ। दोस्तों अगला आइटम है मैग्ना प्ले, तो जल्दी से इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जल्दी से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको करना क्या और क्या क्या सामान यहाँ पे हमको मिल जाता है। ये एक बेसिकली आपको बोर्ड दिख रहा होगा, तो ये मेटल का बना हुआ है, इसके ऊपर पेपर की लेयर है ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, और यहाँ पे इसका एक स्टैंड है, इसको कुछ इस तरह से आप यहाँ पे रख के ऐसे रख सकते हो और आराम से पिक्चर इसके ऊपर बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है भैया, इसके अंदर बहुत सारी आपको स्ट्रिप दिख रही होगी अलग अलग कलर की यहाँ पे, और यहाँ पे अगर बिल्कुल पास से देखूँ यहाँ पे बटन बने हुए हैं। ये है मैग्नेटिक बटन, कुछ इस तरह से आपको ये निकाल लेना है और ये बटन जो है यहाँ पे चिपक जाता है। इतना कोई बहुत हार्ड मैग्नेट तो नहीं है कि बिल्कुल एकदम से चिपक रहा है, बट हाँ मैग्नेट तो है और ये आराम से चिपक रहा है। और लास्ट में यहाँ पे हमको क्या मिलता है, ये एक बुकलेट है जिसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइन इन्होंने दिए हुए हैं। अगर आप पास से देखोगे तो बिंदी बिंदी करके आपको डिज़ाइन दिख रहे होंगे, तो कोई सा भी डिज़ाइन जो है आप बना सकते हो और अपना टाइम पास है ना कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन आपको बना के दिखाता हूँ और उसके बाद हम करेंगे क्विक रिव्यू। दोस्तों फाइनली हमारा इंजन है ना वो बनके तैयार हो चुका है, और अब जो है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। फिलहाल उनको मैग्नेट की बात करें तो देखिए एक भी बिंदी नीचे नहीं गिरेगी ना ही इधर उधर होगी, तो यार काफ़ी सही किट है। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा पैकेज लगा। और अगर इस वाले की बात करें तो ये तो मैं पहले ही बता चुका कि ये भी बहुत बेहतरीन किट है। दोनों ही किट यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे लगे और टाइम पास करने के लिए ना मतलब बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर आप इस चैनल में नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहती है। तो आज के लिए बस इतना, मिलती है किसी नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।